लेकिन टेस्ट की जो मात्राएं हैं हम लोगों ने बढ़ा दी है, टेस्ट की मात्राएं बढ़ा दी है, किसी को लोगों को दिक्कत ना आए, इसके लिए ऑलरेडी जो है विभाग में हर स्तर पर बैठे भी थे, हम तो अस्पताल भी गए हैं, कोई अगर काम नहीं कर रहा विभाग का जो दिशा निर्देश दिया गया अगर उसको मान नहीं रहा है कोई डॉक्टर या कोई अधिकारी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तमाम जगहों पर जा रहे हैं, तमाम अस्पतालों में जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। वहीं बता दें आपको, बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव पटना के एक अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम स्वास्थ्य हालत देखकर, लोगों की हालत गंभीर देखकर जो है डॉक्टर पर कार्रवाई की थी, वहीं उन्होंने जो है यह देखा था कि वहां पर जो है कार्य अच्छे से डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, जिसमें वहां के जो सुपरिटेंडेंट थे उनको सस्पेंड कर दिया था तेजस्वी यादव, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्य किया जा रहा है, हम भी जाकर जायजा ले रहे हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है वो हम कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, डेंगू को लेकर, वो सुने आप। साफ सफाई से लेकर के हर एक तरह से, और इसके लिए लोग जो है सरकार द्वारा प्रचार भी किया जा रहा है, आज के भी कार्यक्रम में भी आए तो जगह जगह श्री कृष्ण प्रचार का जो है वो लगाया गया कैंपस में और अस्पताल में, और ऑलरेडी हर जगह जो है बेड की व्यवस्था कर दी गई है। जो ट्रीटमेंट होना होता है डेंगू का आप लोग जानते हैं, वो सारा जो है चल ही रहा है, लेकिन साफ पानी में भी जो है डेंगू आता है, तो इस तरह की बात है। अब छठ जो है वो आ रहा है, और छठ में तो नगर निगम जो साफ सफाई कराती है वो तो अलग है, लेकिन लोग स्वयं से भी खुद से भी साफ सफाई कराते हैं, और हमको लगता है कि जब थोड़ा ठंडा बढ़ रहा है, अभी जैसे ठंडा बढ़ेगा वैसे जो है जो मात्रा कम हो, लेकिन टेस्ट की जो मात्राएं हैं हम लोगों ने बढ़ा दी है, टेस्ट की मात्राएं बढ़ा दी है, किसी को लोगों को दिक्कत ना आए, इसके लिए ऑलरेडी जो है विभाग में हर स्तर पर बैठे भी थे, हम तो अस्पताल भी गए हैं, कोई अगर काम नहीं कर रहा विभाग का जो दिशा निर्देश दिया गया अगर उसको मान नहीं रहा है कोई डॉक्टर या कोई अधिकारी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो हम लोग तो सख्ती से डेंगू को युद्ध स्तर पर हम लोग लड़ रहे हैं, और पटना नगर निगम द्वारा हमने शुरुआत भी की थी कुछ दिन पहले, कुछ चार दिन पहले कि भाई 100 से भी ज़्यादा गाड़ियां जो है हम लोगों ने निकाला, हर एक वार्ड में जाएगा, ऑल्टरनेट जो है छिड़काव करेगा, एक दिन में तकरीबन 3 जो है 3 बार छिड़काव करेगा, तो ये सारी व्यवस्था तो करा दी गई, बाकायदा केमिकल भी ऐसा हो जो फायदेमंद हो छिड़काव के लिए, तो ये सारी व्यवस्था है। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, जिस तरीके से बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि लगातार हम कार्य कर रहे हैं और तमाम जगहों का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से इससे निजात पाया जाए इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो हम कर रहे हैं, वहीं लगातार तमाम जगहों पर जा रहे हैं और तमाम चीज़ों का जो है जायजा ले रहे हैं। वहीं उन्होंने यह साफ कहा है कि आपने देखा था किस तरीके से हम भी बीते दिनों गए थे और वहाँ की हालत खराब देखकर वहाँ के अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया था। फिलहाल क्या कुछ कहते तेजस्वी यादव वो आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।